गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बनाया या बसाया होगा, यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभवतः यह संभावना है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे भी बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्म निरपेक्ष सभ्यता थी। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है किसी प्रकार के धर्म का भेदभाव नहीं करना। तो धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हुआ जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत के बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी, मतलब आगे बढ़ने वाली। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के संबंध स्थापित किए और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर की सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, धनवान था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सिंधु घाटी सभ्यता में वहां पर लोग क्या है कि बहुत ही धनवान रहते थे, ठीक है। तो इनके अवशेषों से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, दुकानों संभवतः छोटी छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ते हैं जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो ये देखो मोहनजोदड़ो मान स्नानागार देखो, इसमें नहाते थे लोग, बाग औरतें नहाती थी इसमें, चारों तरफ से इसके अंदर सीढ़ियां थी और उतर करके आराम से स्नान करती थी। देखो आप कितना अच्छा सुंदर सा दृश्य है ना। अब आगे देखो, चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, उस समय मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से बनावटी करते थे, दस्तकारी करते थे, है ना। और यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है, ठीक है, उस समय अच्छे ढंग से पहना हुआ भी था। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित या सयाने रूप से दिखाई पड़ता है। यह वह जीवन के तौर तरीके से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। टेक्निक में भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ा है भारत। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, हमें हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। स्नान घर को मतलब, ठीक है ना।